में आंसू और हाथों में घुना हुआ गेहूं लेकर आज जब एक गरीब जालौन कोतवाली में पहुंचा तो मंजर दर्दनाक था, दिल को छू लेने वाला। दरअसल उससे हमने जब बात की तो उसने अपना नाम शिव नारायण बताया है और लोना गांव का रहने वाला। उसका कहना यह कि घर में अन्न का एक भी दाना नहीं। कोटेदार ने उसको राशन पर उसके जो है गेहूं दिया और वो घुना हुआ गया। घर जाकर उसने पहले तो उसको धोया कि शायद चलो जो थोड़ा बहुत होगा निकल जाएगा खराब, उसके बाद इसको पिसवा लेंगे। लेकिन जब देखा कि पूरी की पूरी जो है गेहूं जो है या पूरी पिशिया जो है पूरी घुनी है, तो फिर वो लेकर जब उसके पास गया तो ठेकेदार को, उसका कहना यह है, शिव नारायण का आरोप है कि उसको जो है कोटेदार गब्बर इसका नाम बताया गया है, उसने उसको जो है धुतकार कर भगा दिया। थकार कर बेचारा आंसू लेकर आँख में कोतवाली जब जालौन पहुंचा तो वहां पर जो है उसने अपनी बात पूरी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक चीज़ तो सामने आई कि क्या वाकई में गरीबों के हक पर डाका डाला जाए। हालांकि हम उसके आरोपों की पुष्टि नहीं करते, हमारा चैनल कभी भी ऐसे आरोपों की पुष्टि नहीं करता, लेकिन यदि वाकई में ऐसा है तो निश्चित तौर पर विचारणी है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी भी चाहिए। क्योंकि गरीबों, आखिर ये गरीब तो मजदूर लोग हैं, आखिर इनके हक पर डाका डालकर कितने बड़े आदमी बन जाएंगे लोग। क्योंकि सरकार इनको जब निःशुल्क कोई चीज़ दे रही है या बिल्कुल सस्ते दामों पर दे रही है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के तो दे ही रही होगी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इनके साथ ऐसा अन्याय होगा तो निश्चित तौर पर सवाल तोड़ना लाजमी है। संस्कार सेवा समर्पण, शिक्षा के माध्यम से देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है हमारा उद्देश्य। हम हैं श्री राउतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन झांसी। बी फार्मा, डी फार्मा, बीएड, बीए और आईटीआई डिप्लोमा के लिए आज ही एडमिशन है। उन्नाव बालाजी मार्ग, भोजला मंडी के पास, ग्राम आरी, झांसी। कॉन्टैक्ट 7068280627, 7068280628।